नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। सागर नेशनल हाईवे मार्ग पर ट्रक चालकों से लूट की वारदात को अंजाम देने की घटनाओं के मामले में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा करने में अहम सफलता हासिल की है। जहां 16 जुलाई को थाना कैंट के गणपहरा में बेगमगंज निवासी ट्रक चालक से लूट एवं बहेरिया थाना के गुड़ा कटिंग के पास लूट के प्रयास पर दर्ज अपराध पर एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर तंत्र से मिली जानकारी के आधार पर बरखेड़ा खुमान के 3 युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले में लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। सीएसपी एनपी प्रजापति के मुताबिक बरखेड़ा निवासी हरिश्चंद्र पटेल के द्वारा एक गिरोह बनाकर उनके साथी संजू पटेल, अमित लोधी एवं अन्य के साथ मिलकर रात के अंधेरे में सुनसान स्थान का चयन कर एक प्लानिंग के तहत पहले वाहन पर पत्थर मारे जाते थे और जैसे ही चालक अपने वाहन की गति धीमा करता उसे घेर कर निशाना बनाकर लूट लेते थे। पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के सभी सदस्य अपराधी प्रकृति के हैं। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों ने गढ़पहरा और बहेरिया की वारदातों को करना कबूल किया है। पुलिस अपनी गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों से अन्न थाना क्षेत्र में घटित वारदात के संबंध में जानकारी हासिल करने में जुट गई है। इस गिरोह का सरगना हरिश्चंद्र पटेल बताया जा रहा है। इसके पास से पुलिस ने लूटी गई कुछ रकम के साथ ही वारदात में उपयुक्त की जाने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। थाना कैंट एवं मोती नगर द्वारा इस गिरोह के खुलासे ने अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते वारदात को अंजाम देने वाले सातिर बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। तो एक ट्रक बेगमगंज से कटनी जा रहा था, उसके अपने करीब रात 1:30 बजे की बात थी, गढ़पहरा मंदिर के पास फोर लाइन में ट्रक को पत्थर मारकर और ब्रेकर के पास रोक कर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रक ड्राइवर से 10,000 रुपये लूट लिए गए थे, जिसका लूट मारपीट भी की गई थी। इसमें धारा 394 के तहत थाना कैंट में दिनांक 20 तारीख को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जो विवेचना में था। दिनांक 8/8 को थाना बहेरिया क्षेत्र में फोर लाइन में भी लूट का प्रयास किया गया अज्ञात आरोपियों द्वारा। पुलिस अधीक्षक महोदय सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री प्रवीण भूरिया साहब, डीएसपी मुख्यालय अमृता दिवाकर और सीएसपी मकरोनिया सुश्री पूजा शर्मा और करीब 50 पुलिस बल के साथ रात्रि में ही मौके पर पहुंचे थे और लगातार अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की गई। दिनांक 8/8 की रात्रि सफलता नहीं मिली। दिनांक 9/8 को पुनः पुलिस अधीक्षक महोदय अपने अधीनस्थ अधिकारियों पुलिस बल के साथ थाना कैंट एवं थाना बहरिया क्षेत्र में घटित अपराधों के घटनास्थल देखे गए और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पतासाजी हेतु निर्देशित किया गया। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण भूरिया साहब के नेतृत्व में थाना प्रभारी कैंट और थाना प्रभारी मोतीनगर की टीम गठित की गई और इस टीम को सफलता मिली, जिसमें बड़खेरा के 3 आरोपी हरू उर्फ हरी प्रसाद, संजू पटेल और अमित पटेल निवासी बड़खेरा खुमान को गिरफ्तार किया गया है और अपहृत रकम में से 1800 रुपये नकदी, एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इन उक्त तीनों आरोपियों को थाना बहरिया के अपराध में भी घटित करना पाया गया, उसमें भी गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी लखन पटेल निवासी बड़खेरा का फरार है, उसकी भी तलाश पतासाजी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आपके गढ़पहरा से लेकर बहोरी तिराहा तक 2 मोबाइलें लगातार रात में गश्त में रहीं, जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित ना हो। सर, दिन में भी वहाँ कई वारदातें हुई हैं, इसके पहले दिन में भी पुलिस गश्त करेगी और अभी भी FRB के माध्यम से दिन में भी गश्त की जा रही है। ठीक है।